डियर फ्रेंड्स, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है और किस तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है या उसकी परिभाषा क्या है, हमने डिस्कस की थी। तो एक परिभाषा मात्र के जान लेने से हमें एक उसकी एक अच्छा खाका या उसकी अच्छी इमेज हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाएगी। उसके लिए हम लोग एक प्रयास करते हैं, छोटा सा उसका एक आइडियल तरह से एक मॉडल समझ लेते हैं कि किस तरह से एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के एक समस्त प्रकार के जीव उसके निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में समस्त प्रकार के जीव अपने भौतिक वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करते हुए ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तत्वों का जैविक या सजीव या निर्जीव अंशों में एक चक्रण करते हैं, उनका चक्रीय प्रवाह दोहराते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान पाएंगे कि देखिए कैसे हैं एक हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम लोग सूर्य को देखते हैं और धरती पर प्राप्त होने वाली समस्त ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से ही प्राप्त होता है और सूर्य से ये एनर्जी है, ये उत्पादक वर्ग है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है और इसके माध्यम से वो कुछ चीजें उत्पादित करता है और उत्पादित करते हुए इन चीजों को प्राथमिक उपभोक्ता कंज्यूम कर लेता है और प्राथमिक उपभोक्ता को कंज्यूम कर लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को कंज्यूम कर लेते हैं तृतीय उपभोक्ता और इन सबको कंज्यूम कर लेते हैं चारों को सर्वहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। तो हम लोग जैसे उत्पादक वर्ग में हम लोग जानते हैं कि वनस्पति समुदाय है, चाहे किसी प्रकार का हो, वनस्पति चाहे शैवाल के रूप में हो या बैक्टीरियल फॉर्म में हो या पौधों के रूप में, घासों के रूप में, वृक्षों के रूप में, झाड़ियों के रूप में, कैसे भी हो, वो क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी को मृदा के साथ और वायुमंडल के जो गैस हैं CO2 उनके साथ अंतर्क्रिया करके यहाँ से जल और पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं और जल और पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं क्योंकि ये इस मृदा से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अच्छा, मृदा से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यहाँ से वायु से CO2 प्राप्त करते हैं और सनलाइट है या जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, रेडिएशन के माध्यम से, डायरेक्ट सन से प्राप्त करते हैं और इनके माध्यम से अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी मतलब अपना पोषण जो खुद करते हो वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये उत्पादक भी है और स्वपोषी भी, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद कहाँ से बनाते हैं, यानी मृदा से कुछ चीजें वो लेते हैं, जो एक जल तत्व लेते हैं, इसके नाम कुछ पोषक तत्व है, हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के, हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज तत्व है ना, और वसा है, ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये जहाँ से मृदा से आते हैं और जल है और यहाँ से वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये इसका कंज्यूम करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, ये स्वपोषी हो गए। इसके बाद दूसरा है जो है नंबर दो है, लेकिन ये है उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा जो कह सकते हैं बकरी है, हिरन है, खरगोश है, चूहा है, इस तरह के जो है वर्ग में लोग हम लोग इनको रखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। अर्थात ये उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और या उस तमाम तरह के तत्व है जो इनके माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो बकरी जिसको कहते हैं, हिरन है, खरगोश है, चूहा है, इनको अपना भोजन बनाते हैं, भेड़िया है, सांप है, या जिसको कह सकते हैं हम लोग लकड़ वर्ग के होते हैं या कुछ जो इस तरह से कहते हैं मांसाहारी जीव, जो मध्यम वर्ग के मांसाहारी जीव होते हैं या कैसे जंगली कुत्ते मान लीजिए, ये तमाम तरह के ये जीव हैं
जो क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता वो ही अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बाद भोजन बनाते हैं जो शीर्ष उपभोक्ता कह सकते हैं हम लोग, जिसको कह सकते हैं भेड़िया मान लीजिए, भेड़ सॉरी शेर मान लीजिए, चीता मान लीजिए, या हम कह सकते हैं टाइगर है उन्हें मान लीजिए, और बाज मान लीजिए, मछलियों में हम लोग सार को मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये तमाम तरह की जीव है ये उसमें तृतीय उपभोक्ता में ये शामिल होते हैं, तो इन असामिल को किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग इन सब के बाद हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से एक ग्रीन सिग्नल जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से इधर की तरफ, यानी कि एक ऐसा चैनल है जो ये सर्वाहारी है वर्ग है वो क्या है, अपना भोजन सर्वाहारी वर्ग अपना भोजन बनाता है किसके माध्यम से, उपभोक्ता उत्पादक सुपोषित है उनसे भी अपना प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, और चतुर्थक उपभोक्ता से भी प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोग मानव समुदाय को भी रखें क्योंकि तो बहुत अच्छा विकल्प रहता है, क्योंकि ये तमाम लोग सब्जियां और तमाम तरह के फल हैं जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, प्राथमिकता हम लोग मांस के लिए इन पर आधारित हैं, इस पर भी हम लोग मांस के लिए आधारित हैं, और उनका भी हम लोग शिकार कर सकते हैं खा सकते हैं, हमारे लिए इसमें एक ऐसा कुछ नहीं। और इसी तरह से कुछ और भी जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता भी हम लोग सर्वाहारी के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग जिस तरह से कुछ नहीं कि वनस्पतियों में कभी उनका रहता नहीं, क्योंकि वो खाद्यान्न का भी उपभोग करता है और कई तरह के जीवों को भी खा लेता है, तो इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन मानव एक उपयुक्त उदाहरण है इसके लिए, सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता के लिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इनके बाद जो ग्रीन सिग्नल अर्थात इनसे भोजन प्राप्त करता है सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। अच्छा, इन्होंने सबने भोजन बना लिया, अब बनाने के बाद चक्र का प्रवाह तो नहीं हुआ, चक्र तो नहीं हुआ, सजीव और निर्जीव अंशों में चक्रीय प्रवाह तो नहीं हुआ, ऊर्जा का फ्लो नहीं हुआ, ऊर्जा का फ्लो देखा यहाँ से आया यूं 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 गया सब में, और इसके तो इसमें गया और इसके बाद में बाहर, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह है इस आदर्श पार्थिव तंत्र में या किसी प्रकार के पार्थिव तंत्र में, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा, ऊर्जा दोबारा लौट कर नहीं आती, लेकिन पदार्थों का प्रवाह चक्रीय होता है, अर्थात यहाँ से जो जल या पोषक तत्व तो यहाँ से जो या CO2 यहाँ से और उन्होंने एब्जॉर्ब की या उन्होंने एक्यूमुलेट की, तो वो क्या है लौट कर जा पहुँचाती है। अब देखिए, अब ये सब इन्होंने भोजन बना लिया, भोजन बनाने के बाद क्या होता है, ये सब लोग अपनी जीवन अवधि को पूर्ण करने के पश्चात ये मृत अवस्था अर्थात मर्त हो जाते हैं, और मर्त अवस्था में आते हैं तो उनको विघटित करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं, अर्थात ये प्रोड्यूसर ये कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया। तो ये क्या है, जो समस्त जीवों के की प्राथमिक उत्पादक से लेकर के तीनों तरह चारों तरह के उपभोक्ता हैं उनका क्या अपघटन का काम करते हैं ये, इसमें क्या तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगी होती है, तो वो इनसे वो यही एक तरह से सड़ा गला करके और मिट्टी में वापस मिला देती है, और जो पदार्थ यहाँ से मृदा से और वायु से लिए गए थे वो वापस वहीं उन्हीं जगह पहुंचा देते हैं। अर्थात इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में या ऊर्जा की मौजूदगी के दौरान ये विभिन्न प्रकार के पादपों का अपना भोजन बनाने से लेकर के उनकी जीवन चक्र जो है वो आगे बढ़ता है, उनका भोजन बना प्राथमिक उपभोक्ता भोजन बनाते हैं, द्वितीय उपभोक्ताओं से भोजन बनाते हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता बनाते हैं, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता बना लेते हैं, इन सब के बाद इनका जो अंतिम अपने जीवन चक्र की पूर्णाहुति के बाद पूर्ण अवधि के बाद ये जब समाप्त हो जाते हैं या मृत अवस्था में हो जाते हैं तो इनको विघटित कर देते हैं डिकम्पोजर्स और अपघटक के रूप में, ये यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहां से वापस ये चीजें क्या होता है कि इसमें मृदा में और वायु में मिल जाते हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे आसान तरीका क्या हुआ, यहां से लिए वापस इसमें और सॉरी ये वापस इधर और यहाँ इनको मुक्त कर देते हैं, और यहां से लौटकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाते हैं।
इस प्रकार इस एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है और विभिन्न प्रकार के तत्वों का जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से प्राप्त करते हैं उनका अपने उसी अवस्था में उनका विलय हो जाता है बस जहां जिससे उन्होंने प्राप्त किया था। और इस तरह की सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हम इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का तंत्र होता है और किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति और ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन बनाते हैं और एक दूसरे का भोजन बनते हैं और अंततः जिन तत्वों को आत्मसात करते हैं उन्हीं तत्वों को वापस उन्हीं स्रोतों में मिला देते हैं जहाँ से वो इनको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने एक आदर्श मॉडल समझने की कोशिश की है।